हेलो दोस्तों, स्वागत है टेक्नोजॉयलॉजी पे। और आज भी गर्मा गर्म न्यूज लेके हम लोग हाजिर हो गए हैं आप लोगों के सामने। मायसेल्फ जय, मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, आप देख रहे हैं टेक्नोजॉयलॉजी। चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। पोको से खबर आ रहा है कि पोको का जो M2 है वो एक नया स्मार्टफोन होने वाला है, और ये स्पॉटेड हो गया है जो इसका RF एक्सपोजर वेबसाइट है उसमें। तो ये इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें Xiaomi मोबाइल्स के साथ पोको M2 Pro स्पॉटेड हो गया है। और वेबसाइट में स्पॉटेड होने के बाद और ये लीक होने के बाद इसको हटा दिया गया है वेबसाइट से। Redmi Note 9 और MI 10 के साथ ये मोबाइल अलोंगिंग होके स्पॉटेड हो गया था दोस्तों। अभी वेबसाइट में फिलहाल नहीं है, इसको हटा दिया गया है, लेकिन इसको ऑफिशियल वेबसाइट में स्पॉटेड कर दिया गया था। तो देखते हैं दोस्तों पोको की तरफ से पोको M2 कितना जल्दी लॉन्च हो जाता है। उसी खबर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। रियलमी की तरफ से रियलमी का जो नार्जो सीरीज है, दो बार लॉकडाउन की वजह से ये डिले हो गया था। अब फाइनली दोस्तों 11 मई को रियलमी नार्जो सीरीज लॉन्च होने वाला है, फाइनली 11 मई को। और ये मोबाइल बताया जा रहा है कि स्पेसिफिकेशन जितना तक आ रहा है 48 मेगापिक्सल का इसका नेक्स्ट लेवल का मेन कैमरा सेंसर होने वाला है दोस्तों। इंतजार कीजिए, 11 मई को दिखाई देगा। 12:30 बजे आप लोगों को ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई भी रिटेलर स्टोर पे मिल जाएगा ये मोबाइल। जिस जगह पे ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन है वो सब लोग इसको खरीद सकते हो दोस्तों। आप लोग इवेंट को देखिए। रियलमी की तरफ से रियलमी नार्जो सीरीज कमिंग इन 11th में। अगली और सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं दोस्तों, पबजी मोबाइल से खबर आ रहा है कि पबजी का जो इंडियन सीरीज का 2020 वाला स्क्वाड है ऑफिशियली वो अनाउंस हो गया है दोस्तों। और ये 50 लाख का प्राइस पूल होने वाला है, और टेंशन गेम्स से ये बैक हुआ है। और बताया जा रहा है कि पबजी मोबाइल इंडियन सीरीज में ये सेकेंड टूर्नामेंट होने वाला है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया होने वाला है टूर्नामेंट। तो टूर्नामेंट का क्या क्या क्राइटेरिया है हम लोग देख ले। पहले बात करते हैं दोस्तों रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर पबजी इंडियन क्वाड सीरीज। इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होने वाला है, तो एज पर द इंफॉर्मेशन में शेयर किया गया है कि इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है अभी। पिछले 6 मई से 17 मई तक ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलेगा दोस्तों। आप लोग जाके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये पार्टिसिपेट करने में आप लोगों को बस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप लोगों को फिलअप करना है, इसमें रजिस्ट्रेशन आप लोग कर पाओगे आराम से। और भी बताया जा रहा है कि जो भी रजिस्टर स्क्वाड को तैयार करेगा उस स्क्वाड को 15 मैचेस जीतना है, क्वालिफाई करना है। उसमें से 10 मैचेस जितना सबसे अच्छा होगा जिसका, उसी को क्वालिफाई कर दिया जाएगा इस टूर्नामेंट पे। तो आप लोग जाइए दोस्तों, क्वालिफाई कीजिए मैच के लिए, और 15 मैचेस जीतिए अच्छी तरीके से, तो ही आप लोग इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले पाएंगे। गेम में क्वालिफाई करने के बाद जो 32 टीम बचेगा पबजी मोबाइल इंडिया सीरीज में, उस 32 टीम को सेमीफाइनल्स में ला दिया जाएगा। और सेमीफाइनल्स खेलने के बाद जो 16 टीम टॉप स्क्वाड में बचेगा उस 16 टीम को मौका दिया जाएगा ग्रैंड फाइनल खेलने के लिए। तो ये 16 टीम में जो स्क्वाड जीतेगा उसको 50 लाख का प्राइस पूल इनाम के हिसाब से दिया जाएगा। तो आप लोग जाइए दोस्तों PUBG स्क्वाड 2020 में आप लोग भी एंट्री कीजिए और जीतने का मौका पाइए 50 लाख का प्राइस पूल। इंटरेस्टेड जो गेमर है आप लोगों को ये अगर अच्छा लगता है तो आप लोग डायरेक्टली इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है PUBG मोबाइल इंडिया उसमें जाके आप लोग इसको क्वालिफाई कर सकते हो खेल के। तो जाइए दोस्तों क्वालिफाई कीजिए, और प्राइस पूल जीतने के बाद जरूर हम लोगों को बताएं। Xiaomi की तरफ से खबर आ रहा है दूसरी खबर दोस्तों। Xiaomi के जो वेबसाइट्स के मोबाइल्स होते हैं वो ऑनलाइन Geekbench में स्पॉटेड हो जाता है। तो अभी 6 मई में एक नया मोबाइल स्पॉटेड हो गया है, और बताया जा रहा है कि Samsung का Exynos 990 प्रोसेसर के साथ ये मोबाइल स्पॉटेड हुआ है Geekbench पे। तो अननोन स्मार्टफोन्स के नाम से आता है, Xiaomi Mi 10e नाम से ये मोबाइल जाना जा रहा है, तो Geekbench पे स्पॉट हो गया है दोस्तों। बेंचमार्क स्कोर भी इसका बहुत ही जल्दी आ जाएगा क्योंकि प्रोसेसर हम लोगों को पता चल गया है। देखते हैं दोस्तों Xiaomi वाले कितना जल्दी इस Xiaomi 10e मोबाइल को ला लेते हैं इंडिया में। नोकिया का जो 6.3 मोबाइल होगा, ये मोबाइल बताया जा रहा है कि 670 और 675 दोनों के एक चिपसेट में ये मोबाइल लॉन्च हो सकता है। और इनके रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि इसके पीछे G6 ब्रांडिंग फिर से आएगा दोस्तों, जो नोकिया के पहले मोबाइल्स में देखा जा रहा था। तो नोकिया का जो 6.2 मोबाइल्स था उसमें दिखाने गया है, तो नोकिया का 6.3 मोबाइल में आप लोगों को G6 ब्रांडिंग बैक साइड में दिखने को मिल जाएगा। और भी लीक के थ्रू बताया जा रहा है कि नोकिया का जो 6.3 मोबाइल है इसमें प्योर व्यू डिस्प्ले आएगा वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, और 16 मेगापिक्सल का आप लोगों को इसके सामने वाला फ्रंट कैमरा दिखने के लिए मिल सकता है।
लीक के अकॉर्डिंग इसका जो वेरिएंट होगा रैम का वो रैम वेरिएंट 3GB और 64GB के साथ लॉन्च हो सकता है। और सोर्सेस के मुताबिक बताया जा रहा है कि नोकिया का जो बिग अपकमिंग इवेंट है 2020 क्वार्टर 3 में आप लोगों को ये मोबाइल नोकिया के इवेंट में। अगली खबर के बारे में बात करते हैं दोस्तों, रियलमी 6 का फाइनली जो अप्रैल सिक्योरिटी पैच का 2020 वाला अपडेट है वो हो गया है रिसीव। तो आप देखते हैं दोस्तों इसका क्या क्या फीचर्स है, आप देख लेते हैं। ये फीचर्स बताया जा रहा है कि गेम स्पेस में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगा सम सिनेरियोस पे। और इसका जो नेक्स्ट फीचर है अपडेट का वो है दोस्तों बुक फ्लैश चार्जिंग के टाइम आप लोग एनिमेशंस को भी आप चेंज होते हुए देख पाओगे। और जो दूसरा फीचर्स है दोस्तों, कैमरा में जो फ्रंट कैमरा में दिक्कत होता था तो उसका भी ऑप्टिमाइजेशन किया गया है। और बैक कैमरे में सुपर स्टडी मोड दिया गया है दोस्तों, आप लोग वीडियो करते वक्त सुपर स्टडी मोड को आप लोग यूज कर पाओगे। तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, रियलमी की तरफ से प्रोवाइड हो गया ये अपडेट। अपडेट बताया जा रहा है कि V27 नाम का अपडेट होगा। मैनुअली लिंक भी आप लोगों को रियलमी के वेबसाइट में दिखने के लिए मिल जाएगा। जाइए दोस्तों आप लोग अपडेट कीजिए, और अपडेट करने के बाद आप लोगों को क्या क्या इश्यूज होता है वो भी हम लोगों को बताइए, और क्या क्या अच्छा लगता है वो भी हम लोगों से शेयर कीजिए दोस्तों। एक न्यूज होता है यहाँ पे खत्म दोस्तों। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मन से एक लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को भी दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों गर्मा गर्म टेक न्यूज लेके आज की तरह, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।